हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय दासी। देखो पहले मैं तो अपने आप को दिखा देती हूँ। जय माता दी आप सबको। मैं अभी मसोबा जा रही हूँ, कल रात को आई थी 8 बजे। तो पहले मंदिर गई क्योंकि दिन में कैसा आज अमावस्या बहुत गर्दी रहती है, तो फिर वो लोग सीढ़ी चढ़ने नहीं देंगे। अभी फिलहाल सच बोलूँ तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि घुटने के बल मैं ऊपर गई थी। लेकिन सच बोलूँ कहते हैं ना, जिसके साथ प्यार का सहारा होता है ना, वो कहीं भी पार कर लेते हैं। एक तो मुझे आप सबके प्यार का था सहारा, मेरी बाँ का आशीर्वाद था और मेरे प्रभु का प्यार था। मैं आपको सच बोलूँ, मैं जब घुटने के बल चढ़ रही थी तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इतनी ऊपर कब चली गई। आज सुबह जब मैंने वापस से सीढ़ियों को देखा, जब माँ की ओटी भरने गई, तब मुझे लगा अरे बाप रे, मैंने कैसे चढ़ कैसे गई मैं, क्योंकि टोटल मैंने अभी गिनती की थी, तो अभी जब मैं सुबह गई वापस, क्योंकि कल पहले मुझे वो पैदल जाना था ना, मतलब सॉरी घुटने के बल, तो 135 सीढ़ियाँ थी। मुझे 50-60 सीढ़ियाँ लगी लेकिन मैं चढ़ गई। और अभी जब मैंने देखा तो बाप रे। लेकिन सच बोलूँ दिल में कहीं ना कहीं यही था, मैं जब ऊपर चढ़ रही थी मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने कहा माँ को, माँ मेरा बच्चा होगा ना, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं चढ़ रही घुटने के बल, मेरे साथ मेरा बच्चा भी पेट में है जो पूरी तरह से झुका हुआ है, वो भी आपके साथ। दोनों माँ बेटे या माँ बेटी ऊपर आपके सीढ़ियों को घुटने के बल चढ़ रहे हैं। शायद अभी मैं दिखा नहीं सकती, मेरे घुटनों में पूरा काला दाग हो गया है और बहुत दर्द कर रहा है। और अभी मुझे यहाँ चल के जाना है। अब ये रास्ता लोग, अब ऐसे रास्ते पे कम से कम 2 किलोमीटर तक मैं चलूँगी, मसोबा जाऊँगी, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब हैं। अभी आज तो पहले मैं मसोबा जाऊँगी। अभी जो भी वहाँ पे है, यहाँ तो अभी पता लाइट की सुविधा नहीं है, आपको दिख रहा होगा ना कैसे है सब। तो हमने सोचा है कि सोलार होता है, जो सोलार का कुछ 1-1.5 लाख रुपया खर्चा बताया है पंडित जी ने, मैं भी उनको जाके चेक बना के दूंगी और यहाँ पे सोलार सिस्टम करवाऊंगी। क्योंकि कहते हैं भगवान के मंदिर में लाइट हो ना, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। रात को मैं करीबन 3:30 बजे तक पूजा पे बैठी थी, हम लोगों को जो करना था किया। बस हमने यही किया है कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, उसको उसकी पूरी पूरी सज़ा मिले, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह के रास्ते हैं। अभी पहले मैं लाइट का काम करवाऊंगी, उसके बाद मेरा 24 तारीख को जो जिन्नत का काम होने वाला है, 24 तारीख को जिन्नत का काम होने के बाद करीबन 28 तारीख को हम उस पैसों को कहीं एक जगह पे रख पाएंगे। लेकिन तो भी मेरे सारे ग्रुप वालों को मैंने कहा है, जो लोगों ने किया है, जो लोगों ने इतना सबर रखा है, सबको मैं उसमें से उनका हिस्सा दूंगी। और फिर उसके बाद सबसे पहला काम यहाँ रोड का करवाऊँगी। यहाँ कहते हैं कि रोड के काम के लिए भी कहा गया है कि गवर्नमेंट का, कि मतलब बहुत सारे गांव वालों की ज़मीन है, उनको बराबर कुछ पैसे ऐसे का काम नहीं हुआ है, सिर्फ बोलते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन कोशिश है। लेकिन कहते हैं कि मसोबा भगवान यहाँ का रोड बनने भी नहीं देते, क्योंकि उनकी इच्छा है कि देखते कि भक्त इतना ख़राब हो रोड होने पे भी मेरे पास चल के आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसा बाइक वालों के लिए तो अच्छी सुविधा है, आके आ जाते हैं। लेकिन सच बोलूँ ना, कल जब मैं गई ऊपर माँ के सामने, माँ की आरती भी मैं भी पहुँची, ऊपर चढ़ के गई, पैरों में दर्द हो रहा था, फिर 1 घंटा रुकी, आप लोगों को वीडियो बनाया है, माँ की आरती की, माँ के दर्शन किए अच्छे से, रात को करीबन 3:30 बजे तक बैठ के पूजा की। अब ये मसोबा भगवान के पास कुछ है अमानत, वहाँ जो पूजा की है वो सारी अमानत वहाँ करूँगी मैं। मैं दूसरों के जैसी नहीं हुआ कि नींबू टोचू काला पुतला डालू, है ना, हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा तो सारा काम लौंग ही कर देता है। देखते तो आज लौंग क्या काम करता है, क्योंकि कल 3 पुड़िया बनाई थी लौंग की, 4 पुड़िया बनाई थी, तो एक तो हमने काम कर दिया, एक हमारी काड़ू बाई के डायरेक्ट अभी माता जी का कहते ना सुबह सुबह अभिषेक था, तो 1 पुड़िया वहाँ डाल दिया सारे दुश्मनों के नाम के लौंग। अब जा रही हूँ मसोबा में डालूंगी, उसके बाद शायद ये वीडियो अपलोड होने तक सब जगह की पूजा हो चुकी होगी, उसके बाद बाकी का जाऊंगी कहते उधर धावजी पाटिल में डालूंगी, फिर मैं अजमेर के लिए निकलूंगी, क्योंकि इस बार गलत को सज़ा देना ज़रूरी है। देखो कौन गलत है कौन सही मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात ज़रूर है, सिर्फ गलत को सज़ा नहीं मिलेगी, जो गलत लोगों का साथ देते ना, जैसे सामने वाले को पता है कि ये बंदा गलत है, इसके साथ नहीं रहे, इसका साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कहावत, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो ये बात याद रखिए,
जो मेरी यात्रा रोकने की कोशिश करते हैं, जो ये करते हैं, जो पूजा पाठ रोकने की कोशिश करते हैं, कल रात को बहुत जन गालियाँ देते हैं, उन सबको सजा मिलनी ज़रूरी, क्योंकि कहावत सुने दुख देने देने वाले से दुख सहने वाला गलत होता है, वैसे ही गलती करने वाले से ज़्यादा गलती को श्रेय देने वाला गलत होता है, जो गलतियाँ करते हैं उनको आगे बढ़ावा देने वाला होता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये आदमी गलत है, उस आदमी के साथ उधर ही उसी वक्त उसको उस बात को सज़ा देनी चाहिए, नहीं हो सके तो एटलीस्ट उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप उसका गलत में साथ दे रहे हो, लेकिन आपका वो साथ नहीं देगा जब आप पे मुसीबत आएगी। तो ये बातें तो भोगेंगे, देखो जो भी हो मुझे नहीं पता, जो गलती किया है वो भुगतेगा, क्योंकि जो काम मैंने किया है वो मैंने 2024 की आने वाली पहली अमावस्या तक, अगर मेरे किए को किसी ने काट दिया ना, मैं उसको 5 लाख इनाम दूंगी। कोई पंडित नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई दानी नहीं, कोई नहीं काट पाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये जो काम किया है सबके लिए किया है, बहुत ज़बरदस्त किया है। ऐसा मैं आप लोगों से बातें करते करते चल रही हूँ, मेरा भी टाइम पास हो रहा है, थोड़ा रास्ते में थोड़ा अच्छा लग रहा है। बस यह है कि मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगी, सबको अपनी कमाई का ना आधा हिस्सा नहीं दे सको तो कम से कम 20% दान करो, लोगों के लिए मन में गलत मत सोचो। दूसरा, कोई आगे बढ़ता है तो उससे जलो मत, आप अपना देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके नसीब में जो है वो आपको ही मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि मेरा नसीब आपको मिले, ही नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, और आपका नसीब मुझे मिले वो पॉसिबल नहीं है, समझे? क्योंकि मैं जानती हूँ ना, जिसके नसीब में जितना और जो लिखा है वही मिलने वाला है। अभी आज कोई मानता नहीं, मैं 3 साल से बच्चा लेके घूम रही हूँ, मेरे पेट में है, अच्छा है, सही सलामत है। पता है कल मैं एक जगह पर माता के लिए साड़ी ले रही थी तो छोटे छोटे फ्रॉक दिखे, पता नहीं क्या इच्छा हुई, मैंने सोचा चलो फ्रॉक लेके माँ को चढ़ाती हूँ, कम से कम बेटा दे दो या बेटी दे दो, लेकिन कुछ तो दे दो, ऐसी बात है। दूसरी बात, आप ये मत सोचो, किसी को भी बोलूँगी, आप ये मत सोचो कि सामने वाला आप पे कर नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है, आप ये सोचो कि हमको क्या करना है आगे, हमको कैसे बढ़ना है। आप अक्सर एक ही गलती करते हो, हमेशा लोगों पर ध्यान देते हो। मेरे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं स्टेटस डालती हूँ ना, स्टेटस 2 मिनट में सब लोग फटाफट सीन करते हैं, चाहे कितना भी डालूं, मतलब इसका मतलब उनका पूरा दिन भर का काम दिनचर्या सिर्फ मुझसे शुरू होता है, मुझसे ख़त्म होता है। तो मैं बोलती हूँ अपने मुझ पे ध्यान देने से अच्छा अपने काम पे ध्यान दो। मेरी वीडियो भी जाती है, वीडियो जाते मन तुरंत वीडियो को देखा जाता है, देखो अच्छी बात है, लेकिन एक बात, गलत मन से नहीं, अच्छे मन से, क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, मैंने कभी किसी को ओछा और नीचा नहीं दिखाया। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं कभी किसी के लिए ना बुरा सोचा है ना बुरा सोचती हूँ, मेरी एक आदत है, मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। मैं ये भी बोल देती हूँ, मेरी जगह ना कभी कोई ले पाया है ना ले पाएगा, क्योंकि मैं है ना, जैसे भाजी खाना बनाती हूँ ना घर पर मेरे प्रभु के लिए या बच्चों के लिए, तो मेरी आदत है मसालों से खेलने की, वैसे पूजा पाठ में मेरी आदत है मंत्रों से खेलने की। मैं कितने मंत्रों को मिक्स करके पूजा करूंगी, क्या पासवर्ड डालूंगी, क्या करूंगी, वो मेरा कभी कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अभी भी मैं काड़ू भाई में गई, हमारे मेरे पंडित जी ओंकार हैं, वहाँ पे एक और पंडित जी हैं, उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनको मुझसे बहुत चिढ़ है। वो आज मेरे ओंकार पंडित जी को बोलते हैं हद मेरे, मतलब उसको जलन है उससे, क्योंकि उनको मैं चाहिए। वो मेरे संकेत भाई को बोलता है कि ये मैडम को मुझे बोलो पूजा करवाने का मुझसे। मैं काड़ू भाई भी आती हूँ तो मेरे लिए सारे पंडित एक हैं, मैं कोई भी मुझे दर्शन करवाता है मैं ऐसे दक्षिणा दक्षिणा देती हूँ, इसके लिए बात नहीं। मैं मेरी माँ का घर है, मैं उनकी बेटी हूँ, और आप सब बेटे हैं, एक दूसरे से ऐसे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, समझे? ऐसी बात है। तो चलो, जिसने आज मेरे ओमकार भाई को बोला है कि हद मेरे, उसकी हद मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी ग्रह नक्षत्र तो खराब चल ही रहे हैं, फालतू में आज के दिन अमावस के दिन विद्या देवी की नज़र में आ गए। हाँ, इतना तो ज़रूर है कि मैंने कल रात को उन लोगों को सज़ा तो बरोबर दी है कि जिनको मैं बार 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 यूट्यूब के ज़रिए मैसेज के ज़रिए बार बार कहती हूँ कि अपने काम से काम मतलब रखें, मुझ पे ध्यान ना दें। उसके बाद बार बार कहती हूँ कि ये इंसान गलत है, इस इंसान का साथ ना दे। खास करके इस बार मैंने गलत लोगों को तो सज़ा दी है, लेकिन गलत लोगों का साथ देने वाले को सज़ा दी है। आप देखिएगा आने वाली अमावस्या तक, अगली आने वाली अमावस्या तक अभी तक तो पता नहीं कितनों के साथ क्या हो चुका रहेगा, मुझे पता नहीं, बोली तो हूँ, किया तो है, हो तो चुका रहेगा अभी तक, लेकिन
आने वाली अमावस्या तो जितने लोगों ने लोगों का गलत में साथ दिया ना, उन सब पे पुलिस केस होने वाले हैं। आप मज़ा देखो, अगर सबके साथ गलत नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि गलत का साथ देने वाला इस बार गलत होना ही है सबके साथ। देखिए किस तरह का रोड है, भगवान परीक्षा लेते हैं कि देखो आते कि नहीं। इस बार तो भी ठीक लग रहा है, पिछले बार से तो इस कंकड़ पत्थर में जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है। कल मैंने पता है आप लोगों को, जब मैं दर्शन करके निकली तो मैं ऐसे ही मेरा मन रोडे जैसा हो गया। मैंने अपने प्रभु को पूछा, प्रभु अपना बाबू आएगा ना, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आएगा, लोग 5 सीढ़ी चढ़ते हैं, तू तो हिम्मत करके पूरी सीढ़ी चढ़ गई, तो माता रानी सुनेगी आएगा। विश्वास की जीत तो आज तक हुई है, अब भी होगी, क्यों टेंशन ले रही है, बस यही मेरे लिए बहुत है। पर मैं आप सबको भी यही कहूँगी, विश्वास की ही जीत होती है, विश्वास से बड़ी कोई जीत नहीं है। दूसरी बात, अभी देखो आज तो हो गई है 21, 22, 23, 24, अभी भी मैं यही कहूँगी 24 तारीख को सुल्तान जिन लीजिए और फ़ायदा लीजिए, क्योंकि सुल्तान जिन लेने में दो फायदे हैं कि आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है जो साक्षात्कार आपको दर्शन देगी, हो सकता है दर्शन के साथ जगह पे कुछ हाजिर कर दे, और दूसरा हमारी तरफ से जो पैसे का फ़ायदा है तो है ही, साथ में घर का भी फायदा है। जिनके पास घर नहीं, एक बात बताओ, आप लोग लॉटरी के टिकट निकालते हो और घर मिलता नहीं मिलता है पता नहीं, लेकिन हमारे पास तो जब हमने घर का बोला है तो अगर एक बार ऐसा डर भी है कि नहीं मिला तो कहते पैसे तो आएंगे ना वापस, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जब बोली हूँ दूंगी तो दूंगी। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि विद्या देवी खुद क्यों नहीं कर रही है, करना है, मेरा सब गांव में करके रखा है, मार्च में बोला भी है मैंने, मार्च में मेरा उधर सब चालू होने वाला है होटल का काम, और जहाँ तक रही बॉम्बे में तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी। इस बार होली के बाद जो पहली नवरात्रि आती है चैत्र की, विद्या देवी आप सबको वीडियो बना के दिखाएगी कि उसके घर का, विद्या देवी के बंगले का गृह प्रवेश हुआ, छोटा मोटा बंगला नहीं बहुत बड़ा बंगला, ऐसी बात है। तब तक मेरा केशव भी हाथ में रहेगा, सब कुछ रहेगा, सबकी जय होगी, ऐसी बात है। तो मैं आप सबको भी बोलूँगी, अभी भी मौका है, आज भी आप लीजिए सुल्तान जिन की शक्ति, पाइए फ़ायदा, क्योंकि आराम से अगर आज भी आप शक्ति लेते हो तो आपको 28-29 तारीख तक कम से कम 10-15 लाख का फ़ायदा होगा, उसके बाद आपको 15 फरवरी के अंदर घर का फ़ायदा होगा। ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ, ऐसा है, थोड़ी बात मानो, बाकी मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही, जिसकी जैसी इच्छा। ये देखो कितने खतरनाक लोग बावली में क्या क्या डालते हैं, किसकी फ़ोटो है, क्या क्या है, ये देखो। ये मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लॉन्ग ही काफ़ी है सबकी बैंड बजाने के लिए। ये देखो आपसे बात करते करते मैं मंदिर पहुंच गई, अभी आपको बाबा जी का दर्शन कराती हूँ 2 मिनट, और आपके सामने ही, आप लोगों के सामने मैं पंडित जी को चेक देती हूँ। ऐसे पकड़ो ना, ऐसे ही पकड़ो, हाँ दबाना मत बेटा। नाव सागर रघुनाथ शिंदे, सागर रघुनाथ शिंदे ने तुझा मानपान दिलाय, तो मानपान मान्य करा, भक्त मनोकामना इच्छा पूर्ण करा। आरती ना तुम्ही घ्या, मस्त म्हणजे आरती सुरू झाली, मला दुसरी आपण दोन घ्या, आपण दोन घ्या, कुठली देवाची तर घ्यायची, इच्छा असेल कोणाची तर गणपती दुर्गा माता घे, आपलं देवीची घे आणि सुकम शेवट घे, तुम्हाला सर बापू मला सर सरताजी करवायची। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता।